up with a slow motion crew and we up in a cloud. Hello guys, assalamu alaikum, welcome back to my channel. It's me Sadia. If you're new here, so welcome to my channel, and if you're returning subscriber, so welcome back to my channel. And today's video I'm going to share with you one more review plus demo, and this review is about how to detox your scalp. Yes, you heard it right. Like, if you don't know how to detox your scalp, so I'll let you know in this video. But before that, if you like this video, so please give me a big thumbs up, like, share and subscribe to my channel. Don't forget to turn on the notification bell so you don't miss my video. Let's get started. So इस वीडियो में मैं आज बात कर रही हूँ डिटॉक्स की, लाइक हाउ टू डिटॉक्स योर स्कल्प. सो पहले तो हम बात करेंगे कि स्कल्प हमें क्यों डिटॉक्स करना होता है. तो उसका रीजन ये है कि जैसे आप अपने फेस का केयर करते हो, फेशियल करते हैं, स्किन ड्राई है, रफ है, पिगमेंटेशन है या ग्लो नहीं आया है फेस पे, सो हम लोग करते हैं फेशियल, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो होती है ग्लो, स्किन टाइट होती है, स्किन पे एक चमक आती है और बहुत अच्छी दिखती है. बैक्टीरिया रिमूव होता है स्किन से, जितना भी ऑयल होता है, एक्सेस ऑयल, वो हम फिनिश करते हैं, राइट. इसी तरह से हमारे हेयर्स को, जो हेयर्स के जो स्कल्प है, यानी दिस एरिया, दिस पार्ट, सी हेयर, राइट. सो वो जो है उसको भी हमें अच्छे से डिटॉक्स करना होता है, क्योंकि हमारा जो स्कल्प है, यानी कि खोपड़ी या खोपड़ी, वो जो है वो ब्रीथ लेती है, उसको सांस ले, वो भी सांस लेती है, उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. अगर आप नहीं करोगे डिटॉक्स अपने स्कल्प को, इची होगी आपके स्कल्प में, आपको इची फील होगी, डैंड्रफ आता है. प्लस क्या चीज़ होती है कि आपके हेयर्स में जितने भी एक्सेस ऑयल है वो जो है ना आपके हेयर्स पर रह जाता है. शैम्पू आप करते हो हेयर में, हेयर को वीक में 3 times करते हो या 4 times करते हो, लेकिन आप समझते हो कि आप शैम्पू कर लिया, आपका स्कल्प जो है वो आपने अच्छे से क्लीन कर दिया है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्लीन जो होते हैं आपके हेयर्स होते हैं, जो कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये वाले जहाँ जितने लॉन्ग होते हैं, राइट, वो होते हैं क्लीन. बट स्कल्प जो है हमारा वो इतना क्लीन नहीं होता है. सो हमें जो है हमारे स्कल्प को क्लीन भी करना बेहद ज़रूरी है. तो मैंने सोचा है क्यों ना आपके साथ ये वाली जो वीडियो है, रियली इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा. आज की तो फिलहाल मैं वीडियो में शेयर कर रही हूँ एक ये वाला साशे वाला पैकेट है जो डिटॉक्स है, और ये मार्क एंथोनी का है. मार्क एंथोनी जो है ना मेरी बहुत फेवरेट ब्रांड है, मैं इसको बहुत ही हाईली रेकमेंडेड करती हूँ किसी भी हेयर के प्रोडक्ट्स के लिए. आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है मार्क एंथोनी एंड प्लस टर्स में जो है ना, वो मेरे दो फेवरेट ये ब्रांड है. लेकिन इनका मुझे जो है ना ये वाला पैकेट मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसका रिव्यू शेयर किया जाए. मैं एक दफ़ा और यूज़ कर चुकी हूँ कि ये कैसा है, मुझे काफ़ी अच्छा उसका बेस्ट रिजल्ट मिला. लेकिन इंशाल्लाह ये मैं आपके साथ पार्ट 1 शेयर कर रही हूँ, इसका जो पार्ट 2 है इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं शेयर करूँगी, जो कि होम मेड स्कल्प का होगा, कि किस तरह से डिटॉक्स आप कर सकते हो अपने स्कल्प को, जो कि इस तरह के प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मार्केट से नहीं बाय कर सकते या उनको नहीं मिलता है. तो मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उनके साथ ये भी ज़रूर शेयर करूंगी. तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि किस तरह से आपने ये करना है. सो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, अप्लाई टू अ फ्रेशली शैम्पूड हेयर, जेंटली मसाज इनटू स्कल्प विथ लाइट प्रेशर, इंश्योर योर अप्लाई टू एंटायर स्कल्प एरिया फॉर 30 seconds, रिंस व्हेन डन फॉलो विथ कंडीशनर. सो मीन्स कि आपको जो है इसको अप्लाई करना है अपने वॉश्ड हेयर पे, जो कि ऑलरेडी वॉश हो, 1 day wash हो आपके हेयर, वो आपने इसको अपने स्कल्प पे अप्लाई करना है 30 seconds के लिए, नॉट मोर देन 30 seconds. उसके बाद जो है अगेन अपने हेयर को वॉश कर लें शैम्पू प्लस कंडीशनर से, कोई भी अच्छा सा आप कंडीशनर ले लें. मैं जो रिकमेंड करूँगी शैम्पू प्लस कंडीशनर वो है कैरेटिन लॉरियल का, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जो, और रिव्यू भी दे चुकी हूँ, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में या आई कार्ड बटन पर चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा. मैं इस वाली वीडियो की बात कर रही हूँ, ठीक है. तो ये जो है हमको क्या करना है, अब मैं आपके सामने इसको करती हूँ अप्लाई. मैंने ये मेरे जो हेयर्स हैं 1 day wash हुए हुए हैं, फ्रेशली वॉश हैं, आप देख सकते हैं. और अच्छा, मैंने क्या किया था कि थोड़ा सा जो है ना इसमें लिटिल बिट स्प्रे मार दिया था अपने हेयर के ऊपर. सो अब जो है मैं इसको अगेन जो है कर रही हूँ कॉम. तो एनीवेज यहाँ पे मैंने ये ले रही हूँ एंड ओके,
ये देखिए ऐसा है और मैंने इसको लिटिल बिट जो है ना अपने हैंड पे अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ. ओके तो इसके मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ. इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो उसमें है सी सॉल्ट एंड ऑयल जो है वो है पेपरमेंट ऑयल. पेपरमेंट ऑयल जो है हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करता है और सी सॉल्ट जो है वो भी यानी कि एक्सफोलिएट करता है आपके स्कल्प को. लाइक जैसे आप फेस को आप अपने एक्सफोलिएट करते हैं कॉफ़ी से शुगर से, इसी तरह से ये भी करता है. ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि मैं जो हूँ इसको लेके अपने हेयर्स पे अप्लाई कर रही हूँ, नॉट हेयर पे सॉरी स्कल्प पे मैंने इसको अप्लाई करना है. और ये आप देख सकते हैं इस तरह से. ओके अब ये जो है ना हेयर्स पे हमारे लग गया है और मैं इसको लीव कर दूंगी अबाउट 30 सेकेंड्स के लिए. एंड आफ्टर 30 सेकेंड्स के बाद जो है ना मैं अपने हेयर्स को वॉश कर लूंगी. तो 30 सेकेंड्स के बाद मैं मिलती हूँ आपसे. ओके वेलकम बैक गाइज. एंड एज यू कैन सी हेयर माई हेयर इज कम्प्लीटली ड्राई. आई डिडंट यूज ब्लो ड्राई और एनी स्ट्रेटनर बिकॉज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि किस तरह से वर्क करता है एंड किस तरह से इसका रिजल्ट आया. एंड सीरियसली गाइज बिलीव मी इट्स वर्क रियली वेल. एंड जो एक हेयर पे मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि इची होती है जब आपका हेयर काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा इची होती है आपके, क्योंकि हेयर्स के स्कल्प जो होता है काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है. तो इस वजह से जो है हमारे हेयर हेड पे जो है ना इची महसूस होती है. तो वो जो है मुझे जो हो रही थी इरीटेशन हो रही थी वो काफ़ी हद तक कम हुई है. एंड ये जो है मैंने वीडियो बना रही हूँ नेक्स्ट डे पे जब यानी कि मैंने कल किया था इसको यूज़ किया था अप्लाई किया था. एंड आज जो है नेक्स्ट डे है और मैंने इसको देखना चाह रही थी कि ये किस तरह से है. तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो चुके हैं एंड इट्स वर्क रियली रियली वेल. आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी कि आप जो है मार्क एंथोनी का ये वाला डिटॉक्स स्कल्प हेयर जो है ज़रूर ट्राई करें. अगर आपको ये नहीं मिलता है मैं इंशाल्लाह एक दो दिनों में या नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह मेरे पास टाइम हुआ तो मैं इसका पार्ट टू मैंने ज़रूर लेकर आना है कि आप घर पे कैसे डिटॉक्स कर सकते हो. जो जिनको नहीं अवेलेबल है ये वाली चीज़ या कोई भी, ज़रूरी नहीं कि आप मार्क एंथोनी का ही डिटॉक्स कर लो. मैं देखूंगी कि अगर मुझे कोई भी लिंक मिलता है सो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ऐड कर दूंगी. एक्चुअली होता क्या है कि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ और जो मुझे नहीं मिलते हैं कोई भी लिंक तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना ऐड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो मुझे मिलते हैं तो मैं ज़रूर उसको जो है कर देती हूँ. सो इसकी प्राइस मैं सॉरी आपको बताना भूल गई कि इसकी प्राइस जो थी 3.99 यानी कि $3.99 थी. पाकिस्तानी रुपीज़ होगी 400 रुपीज़ 500 रुपीज़, प्लीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम है आइडिया पाकिस्तानी रुपीज़ का कि कितना है. तो आप खुद ही उसका आइडिया लगा लीजिएगा, अदरवाइज मैं जो हूँ चेक करके आपको ज़रूर इसी वीडियो में दे दूंगी. ठीक है सो आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ. मैं आपको अपने हेयर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्प्लीटली जो है ड्राई हो चुके हैं, सॉफ्ट हैं, स्मूथ हैं. एंड मैंने जो है बिल्कुल भी जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ स्ट्रेटनर और ब्लो ड्रायर बिल्कुल यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपने बालों में 1% भी यूज़ नहीं करती हूँ, ब्लो ड्रायर भी और स्ट्रेटनर भी. हालांकि मेरे पास ये दोनों चीज़ें हैं अवेलेबल लेकिन मैं नहीं यूज़ करती हूँ. एनीवेज यहाँ पे मैं आपको अपने हेयर्स का मैंने दिखाया था कि यहाँ पे मैं आपको अपने हेयर्स दिखा दूँ. आप देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट हैं, स्मूथ हैं और शाइनी. आप देखें शाइन देखें आप इसमें हेयर्स में. मैंने बिल्कुल भी इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, नो सीरम नथिंग एल्स. सो यहाँ पे आप शाइन देख सकते हैं हेयर्स पे और स्मूथ देखें कितना ज़बरदस्त ये स्मूथ हुए हैं. तो मैंने जो है यहाँ पे मेरे आप हेयर्स को ये देख सकते हैं कितना अच्छा इसका रिजल्ट आया है. डेफिनेटली आप इसको ज़रूर ट्राई करें. एंड या दैट्स ऑल गाइज. एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी. अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू डोंट मिस माय वीडियोस. प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें
क्योंकि आपकी एक सपोर्ट मुझे बहुत आगे तक लेके जाएगी और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है. सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो पे. टिल देन अल्लाह हाफिज़. आप एक चीज़ मिस तो नहीं कर रहे, अनाया को? शी इज़ नॉट हियर राइट नाउ. अल्लाह हाफिज़.